कांग्रेस का जिक्र करते हैं क्योंकि पीसीसी में यहां सचिन पायलट और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हरीश चौधरी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसके जरिए कांग्रेस जनता से ऑनलाइन सुझाव मांगेगी जिन्हें घोषणा में शामिल किया जाएगा। इससे पहले सबसे पहले सचिन बेरोजगारी और किसानों का मामला उठाते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करेंगे, ऐसी घोषणाएं होंगी जो हम पूरी कर सके। राजस्थान सरकार का रिपोर्ट कार्ड पायलट ने रखा, उन्होंने कहा कि हम बताएंगे राज्य सरकार ने क्या कहा था और उसके बदले सरकार ने किया क्या है। हम जनता को उनका असली रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। पायलट ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अनुसार बनेगा रिपोर्ट कार्ड। लेकिन इस बीच सच यह भी है कि भले ही कांग्रेस की पहली लिस्ट दिवाली के बाद आने की बात की जा रही हो, लेकिन धड़कनें यहां पर बढ़ने लगी हैं। ये खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि भले ही कांग्रेस की पहली लिस्ट दिवाली के बाद आएगी, लेकिन टिकट लेने और विरोधी का टिकट कटने की मांग को लेकर शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर निभाई के कांग्रेस नेता प्रशांत बैरवा के समर्थक और विरोधी आमने सामने हो गए। इस विवाद में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई जिस पर पुलिस ने समझाइश करते हुए बीच बचाव कराया है। आलम यह है कि हंगामे के बीच सचिन पायलट को भी सुरक्षा घेरे में पीसीसी मिलाएगी। लेकिन ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से पुलिस को बल प्रयोग यहां पर करना पड़ रहा है और दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विरोध के बीच में से पीसीसी चीफ सचिन पायलट को यहां पर भारी सुरक्षा के बीच दफ्तर के अंदर एंट्री कराई जा रही है। तस्वीर एक विधानसभा क्षेत्र निवाई, वहां से प्रशांत बैरवा के समर्थक और विरोधी दोनों ही कांग्रेसी लेकिन आमने सामने। आगे बढ़ते हैं। चुनावी समर में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। आज पीसीसी में पार्टी अध्यक्ष सचिन पायलट ने अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी और नरेश मीणा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। पायलट ने दोनों नेताओं को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस में स्वागत किया।